अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स अ वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल इट्स संवाद। जैसा कि आपको मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो में बताया था कि आपको फॉरेन स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए या फिर बैरून मुल्क तलीम हासिल करने के लिए या फिर बैरून मुल्क जॉब के लिए जाने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसकी लिस्ट आपको वहाँ पर मैंने बताई थी, और साथ ही मैंने ये बताया था कि आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन भी करवानी है। उसके लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स को आपने अपने आईबीसीसी से अटेस्ट करवाना है, और आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवाने के लिए आपको अपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स को अपने बोर्ड से वेरीफाई करवाना होता है। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को बोर्ड से वेरीफाई नहीं करवाया तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जस्ट लिंक पर जाएं और देखें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बोर्ड से कैसे वेरीफाई करवाने हैं, और फिर आपने वेरीफाई के बाद आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवानी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह आप अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी से अटेस्ट करवा लें। उसके बाद आपसे यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन शुरू होती है, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपने यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स को एचईसी से अटेस्टेशन करवाने के लिए एचईसी पे अकाउंट कैसे बनाना है, और फिर अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि आपने एचईसी से अटेस्टेशन कैसे करवानी है। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की जाने। तो जनाब, एचईसी पे अकाउंट बनाने के लिए आपको एक तो लैपटॉप या मोबाइल होना जरूरी है। लैपटॉप हो तो ज्यादा अच्छी बात है। दूसरे नंबर पे आपके पास नॉट कन्वर्टेड फोन नंबर होना चाहिए, यानी ऐसा फोन नंबर जो कन्वर्ट ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जैज का नंबर था और आपने उसे यूफोन पे कन्वर्ट करवा लिया है, तो ऐसा नंबर हरगिज यूज ना करें। तीसरे नंबर पे आपके पास वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस की वैलिडिटी चेक करने के लिए आप जस्ट गूगल पे जीमेल साइन इन के ऑप्शन पे जाएं, वहां पे अपना ईमेल एड्रेस पुट करें, पासवर्ड पुट करें। अगर तो वो साइन इन हो जाता है तो ईमेल एड्रेस वैलिड है। और चौथे नंबर पे आपके पास यहाँ पे सीएनआईसी कार्ड मौजूद होना चाहिए, ताकि आप उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकें। तो आपने परेशान नहीं होना कि आपने लिंक कहाँ से ओपन करना है, कहाँ पे जाके रजिस्टर करना है अपना एचईसी का अकाउंट। आपने जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके एचईसी के अकाउंट से रजिस्ट्रेशन से लिंक को ओपन करना है, और अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे ऐड करके अपना अकाउंट बना लेना है। तो मैं आपके सामने एक आर्बिट्रेरी अकाउंट बनाऊंगा, साथ ही साथ अपना भी आप अकाउंट बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अकाउंट की तरफ। अब जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, आपके पास इस तरह का पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे साइन इन की ऑप्शन वो मांग रहा है, हमारे पास अभी अकाउंट नहीं है। हमने यहाँ पे साइन अप की ऑप्शन पे जाना है और अपना अकाउंट बना लेना है। इसके लिए आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम ऐड करेंगे। मैं कोई भी आर्बिट्रेरी नेम ले रहा हूँ, आपने अपना नेम ऐड कर लेना है। करने के बाद आपने अपनी नेशनैलिटी ऐड कर देनी है, फिर आपने अपना सीएनआईसी नंबर ऐड कर देना है। इसी नंबर ऐड करने के बाद आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है। यहाँ पे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए और आपको भूलना भी नहीं चाहिए। अब अपने पासवर्ड्स को सेव करने का एक तरीका है, आप अपने सारे पासवर्ड को एक फाइल में इकट्ठे करें और उस फाइल को आप अपनी ड्राइव में सेव कर दें, ताकि आपको जब भी किसी पासवर्ड की जरूरत पड़े आप अपने ड्राइव में जाएं और आप अपने पासवर्ड्स वहां से देख सकें। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है अच्छा सा। लगाने के बाद यहाँ पे फोन नंबर ऐड कर देना है, ईमेल एड्रेस ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने जस्ट सबमिट के ऑप्शन पे जाना है और आपका अकाउंट बन जाएगा। अब इसी तरह से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी अकाउंट से इंफॉर्मेशन को लेते हुए एचईसी के अकाउंट पे अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, अपनी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, और अपने एचईसी से डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन करवाने का प्रोसीजर रन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए कि हमने एचईसी से अटेस्टेशन कैसे करवानी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।